हेलो गाइज आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल येस मैथमेटिक पाठशाला में स्वागत करता हूं अभी जो यू पी पी का लेक्चर चल रहा है जिसका फर्स्ट वीडियो लेक्चर अपलोड हो चुका है 2004 का क्वेश्चन पेपर आज इसका सेकंड वीडियो लेक्चर स्टार्ट हो रहा है तो गाइज बने रहिए मेरे साथ एंड तक और जो भी अभी मेरे चैनल पर नया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें देखिए गाइज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स लेकिन द पार्टिकल्स ईच ऑफ इक्वल वेट्स आर प्लेस्ड एट ठीक है एन माइनस प्लेस्ड एट एन माइनस वन कॉर्नर्स ऑफ ए रेक्टेंगुलर पोलीगॉन ऑफ साइड एन इफ द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ़ द रेगुलर पोलीगॉन इज आर यूनिट देन द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दीच पार्टिकल्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ़ रेगुलर पोलीगॉन बिल वी ठीक है मैं इसका आपको आंसर बता दूँ तो ये चार ऑप्शन दे रखे हैं ठीक है तो क्या होगा देखते रहिए तो यहाँ पे कितना गाइज का है आपका एन साइड्स का है थे और इसके नंबर ऑफ़ कॉर्नर्स कितने दे रखे हैं गाइज आपके लिए नंबर ऑफ़ कॉर्नर्स आपको दे रखा है एन माइनस वन ओके गाइज आगे देखिए गाइज तो इस तरह से ये कोई पॉलीगॉन दे रखा है जिसमें एन साइड्स थी और आपके एन माइनस वन कॉर्नर्स थे सपोर्ट ऑफ ईच कॉर्नर्स ऑफ वेट डब्लू मतलब प्रत्येक कॉर्नर पर वेट कितना लगा लगाइज W तो कितने कॉर्नर्स हैं टोटल n माइनस वन तो टोटल वेट कितना हो जाएगा n माइनस वन इंटू डब्लू हेस फ्रॉम द पैरल लॉ ऑफ फोर्सेज क्या होता है गाइज डब्लू इंटू ओ पी डब्लू से लेके कहाँ तक वेट करेगा ओ पी तक करेगा ठीक है गाइश ओ से क्योंकि वेट लगा होगा आपके सेंटर पॉइंट पे तो ओ से पी तक आ जाएगा गाइज ठीक है डब्लू इंटू ओ ओ ओ ओ पी एन माइनस वन डब्लू इंटू ओ जी तक ये आपका पैलल वेट सपोर्ट करेगा तो गाइज डब्ल्यू से डब्ल्यू दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा और ओ जी इज टू आ जाएगा ओ पी अपॉन एन माइनस वन और ओ पी इसका क्या है गाइज ओ से पी तक जो हो जाएगा वो इसका रेडियस हो जाएगा और रेडियस हमारा क्या है गाइज आर है तो ऑप्शन हो जाएगा आर अपॉन एन माइनस वन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है द स्टेटमेंट इफ थ्री सर कम ठीक है सॉरी कान फोर्सेस इन ए प्लेन आर आर इन इक्वेरियम दैन ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द बिटवीन द अदर टू इज नोन एज गई देख लीजिए यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं ला ऑफ ट्रेंगिल ऑफ फोर्सेज ला पेरलोग्राम ऑफ फोर्सेस कन्वर्स ऑफ लामी थेरम्स एंड अ ठीक है नन ऑफ दी जो चार ऑप्शन में कौन होगा ऑप्शन नंबर डी देख लीजिए गई जो है सॉरी यहाँ गलत छपा हुआ है जो ए ऑप्शन नंबर होगा वो आपका सी करेक्ट होगा ठीक है लामी लामिथ्यूरम्स लामी थेरम्स में क्या होता है ये तीनों पे इक्वल फोर्सेस लगता है साइन के साथ ये इस तरह से ठीक है गाइज तो पी अपॉन साइन एल्फा क्यू अपॉन साइन बीटा आर अपॉन साइन गामा इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए लीजिएगाइज ये यूनिफॉर्म क्यूबिकल बॉक्स ऑफ एज एज ये यूनिफॉर्म क्यूबिकल बॉक्स ऑफ एज ए इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ ए फिक्स स्पेयर द सेंटर ऑफ द फेस ऑफ़ द क्यूब बींग इन कॉन्टैक्ट विद द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ द स्पेयर दीस्ट रेडियस ऑफ द स्पेयर फॉर विच द इक्विलेरियम विल बी स्टेबल इज मतलब वो कब स्टेबल होगा गाइज आपको एक चीज़ बता दूँ हमेशा अगर हम इसके बारे में बात करें जैसे एक सर्किल है गाइज ये आपका कोई भी ये आपका कोई भी सर्किल है और इसके ऊपर अगर कोई भी चीज़ इस तरह से कैसा है हमारा हाइस्ट पॉइंट पर क्या लिखा है द क्यूब दे रखा गाइज हाइएस्ट पॉइंट पर क्या बना हुआ है आपका क्यूब बना हुआ है इस तरह से ओके okay गाइज अब ये अगर हाइएस्ट पॉइंट पर होगा तो इसके अगर हम बात करें तो वो इस पर कहाँ पर होगा इसके मिडिल पॉइंट पे हो मतलब बीच में ही होगा तो बीच में यहाँ से यहाँ तक कि जब हम बात करेंगे तो उसकी साइड ए है तो वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा होगा ए बाई टू कवर कर रहा होगा अर्थात द लास्ट ठीक है द लीस्ट रेडियस ऑफ स्पेयर फॉर विच द विल बी स्टेबल ऑफ रेडियस ए इज ए बाई टू नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए गाइज द एरिया बाउंडेड बाई द कर्व्स बाई इजकल टू रूड एक्स कामा एक्स इजकअल टू टू बाई प्लस थ्री इन द फो इन दोर फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड एक्स एक्सिस इज तो गाइज देखते रहिए कितने चार ऑप्शन हैं टू रूट थ्री एटीन नाइन थर्टी फोर अपॉन थ्री तो गाइज ये जो इक्वेशन है बाईजकल टू रूट एक्स था इसका आप स्क्वायरिंग कर लेंगे तो बाईसक्वायर इजकल टू कितना आ जाएगा एक्स और बाई स्क्वायर एक्स क्या होता है गाइजी एक पैराबोला की फॉर्म में होता है और वाई इजकल टू टू एक्स प्लस थ्री यहाँ से लाइन पास होगी क्यों पास होगी क्योंकि एक बार अगर हम एक्स को जीरो कर लेंगे एक्स को जीरो करने पर गाइज क्या हो जाएगा एक्स को जहाँ जीरो करेंगे हाँ ये बाई एक्सिस को कट करेगा एक्स को जीरो करने से बाई इजक्ल टू आ जाएगा माइनस का थ्री बाई टू आ जाएगा तो गाइज ये वाला पॉइंट मिल जाएगा एक बार हम क्या कर लेंगे गाइज बाई को जीरो कर लेंगे तो एक्स इज्वल टू ये वाला पॉइंट मिल जाएगा अब दो पॉइंट मिल गए तो एक लाइन ड्रॉ कर देंगे ठीक है गाइज ये लाइन आपकी बन गई अब हम करते क्या है गाइज जो फर्स्ट वाला होगा उससे हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे सेकेंड वाले को ठीक है और इसका हम यहाँ से आसानी से क्या करेंगे गैज निकाल लेंगे ओके गाइज तो नेक्स्ट देखिए गाइज फिर करना क्या है जीरो से थ्री टू बाई प्लस थ्री माइनस फोर स्क्वायर और यहाँ पे हो क्या जाएगा गाइज आपका जो ऊपर दे रखा है बाइज कल टू रूड एक्स यहाँ पर दे रखा था तो आप यहाँ पे निकालेंगे गाइज तो आपका आ जाएगा आप निकाल कहाँ से रहे हो देखो अगैज आपकी जो लिमिट लगा रहे हो वो लिमिट लगा रहे हो एक्स एक्सिस की जीरो से थ्री तक ठीक है गाइस तो हमें करना क्या पड़ेगा एक्स डी बाई सॉरी एक्स डी वाई करना पड़ेगा एक्स डी वाई तो एक्स की वैल्यू गाइस निकालेंगे तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितना निकाल लेंग टू बाई प्लस थ्री और माइनस में कितना हो जाएगा बाईस स्क्वायर ये फोर नहीं लिखा गाइस ये बाईस स्क्वायर लिखा हुआ है इस तरह से ये तो गाइस यहाँ से क्या आएगा जब इसका हम क्या करेंगे गाइज इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन टू बाई का करेंगे तो टू बाई स्क्वायर अपॉइन टू हो जाएगा गाइज जो फोर लिखा है फर्स्ट वाले में ये भी बाई है और इसमें करेंगे थ्री बाई और इस बाई स्क्वायर का करेंगे तो बाई क्यूब अपॉइन थ्री हो जाएगा जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा गाइज नाइन ना आ जाएगा ठीक है गाइश उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए गाइज ये यूनिफॉर्म क्यूबिकल बॉक्स ऑफ एज ए इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ ए फिक्स्ड स्पेयर ऑफ़ सेंटर ऑफ द फेस यूजिंग गाइज ये मैं आपको अभी बता चुका हूँ ये वाली कंडीशन बताई थी अभी पीछे वाला क्वेश्चन ये दोबारा रिपीट कर दिया है इसी तरह से मैं बता रहा था कि वो जो फिक्स होगा उसके ऊपर जो हम उसको ए बाई टू रेडियस है मतलब स्टेबल होगा ये क्वेश्चन भी गईज बता चुका हूँ नीचे वाला इसको इस तरह से निकाल सकते हैं आप ठीक है गाइज ये वाला क्वेश्चन हो गया है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइज ये जो अभी निकाला था गाइज इस तरह से भी निकाल सकते हैं एक्स टू माइनस एक्स वन करके अभी इसी को तो सॉल्व किए थे ठीक है वहाँ पे गलत छपा हुआ था इसलिए मैंने इसको खुद से कर दिया नाइन आंसर ठीक है कर लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइज लिखा है इफ़ एक्स इज्कवल टू सेकीटा माइनस कॉस ठीटा वाई इजक्वल टू सेक की पावर एंड थीटा माइनस कॉस की पावर एंड थीटा देन द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फोर डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर तो गाइज बने रहिए एंड तक और देखते रहिए ठीक है बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं एक्स इजकल टू आपको गाइज किस में दे रखा था थीटा में दे रखा था बाई इजल टू भी थीटा में दे रखा था तो गाइज एक्स का भी थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर लें और बाई का भी थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर लें फिर गाइज क्या करें इक्वेशन नंबर सेकंड को मतलब इस वाली इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे तो डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो जाएगा आपका क्या आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा ठीक है गाइज तो टेन थीटा से यहाँ पे टेन थीटा कैंसिल कर देंगे ठीक है इस तरह से अब दोनों तरफ हमें डी वाई का होल स्क्वायर चाहिए था तो इसलिए हमने इसका गाइज क्या कर लिया होल स्क्वायर कर लिया ठीक है गाइज अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया सेक और कॉस एक दूसरे के उल्टे होते हैं जो तो टू ए बी वाला टर्म आएगा उसमें सेक और कॉस कट जाएगा ओनली टू बचेगा ठीक है इस तो नीचे से ये आ चुका अब एक्स स्क्वायर प्लस फोर निकाल लें तो x की वैल्यू हमें पता थी उसका स्क्वायर कर लिया और प्लस का टू कर लिया गया तो जो नीचे वाली वैल्यू है यही हमारी वैल्यू हो गई एक्स स्क्वायर प्लस फोर की क्रॉस मल्टीप्लाई से दूसरी साइड में आ जाएगा जी ये आ गया और जो अंदर बचा है ना गाई ये आपका वाई स्क्वायर और प्लस टू होता और टू पहले से लिखा है तो वाई स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा फोर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए इस यहाँ पे लिखा है लिमिट एक्सटेंस टू जीरो अंडर रूट हाफ वन माइनस कॉस टू एक्स अपॉन में एक्स तो पहले गाइज क्या करेंगे इसका हम एक्स कट कर लेंगे सॉरी वन कट कर लेंगे वन कट करेंगे तो हमें करना पड़ेगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर ठीक है वन माइनस तो वन तो लिखा हुआ है वन माइनस माइनस वन और प्लस टू साइन स्क्वायर जो वन से वन कट जाएगा तो कितना आ जाएगा टू साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा तो टू से टू भी कट जाएगा तो ऊपर बचेगा साइन एक्स अपॉन एक्स और साइन एक्स अपॉन जो एक्स होता है वो एक्सटेंस टू तो जीरो लिमिट पर क्या देता है गाइज वन देता है ओके बट इन्होंने पूछा क्या है गाइज इन्होंने पूछा है इज वन ठीक है माइनस वन डज नॉट एग्जिस्ट एंड नन ऑफ तीज तो गाइज यहाँ पर अगर इसकी बात करें तो साइन एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा ठीक है गाइज ये किस में आ रहा है गाइज रूड में आ रहा है साइन स्क्वायर एक्स अब बट यहाँ पे गईज एक कंडीशन है जब हम इसको हटाएंगे तो ये कितना जाएगा? Sin x आ जाएगा मोड साइन एक्स आ जाएगा मोड साइन एक्स एक्स करेंगे अगर तो कितना हो जाएगा गाइज वन हो जाएगा जबकि लेफ्ट हैंड लिमिट की अगर हम बात करें गाइज लेफ्ट हैंड लिमिट की ठीक है तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी जो आएगी वो निगेटिव में आ जाएगी क्योंकि वहाँ पर वो एक्स जो होगा वो निगेटिव हो जाएगा नीचे वाला ठीक है बट अगर एल की बात करें तो वहाँ पे छोटा वाला ले आर में बड़ा आ जाएगा तो दोनों लिमिटें क्या होंगी क्या जिसकी इक्वल नहीं होंगी आप चेक कर सकते हो निकाल के लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो इस फंक्शन के लिए एक्स इक्वल टू जीरो पर और राइट right हैंड भी निकाल लेंगे तो एक दूसरे के इक्वल नहीं आएंगे एक प्लस बनाएगा दूसरा माइनस बनाएगा तो ये क्या हो जाएगा एक्स तो यहाँ पे ये क्या करेगा गाइस डज नॉट एग्जिस्ट कर जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए द ट्रेंगल पी क्यू आर इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू ट्वेंटी फाइव इफ क्यू एंड आर है कॉर्डिनेट्स थ्री का मा फोर एंड माइनस फोर का मा थ्री रिस्पेक्टिवलीन क्यू पी आर इज इक्वल टू तो गाइश एक सर्किल है सर्किल के अंदर एक पी क्यू आर एक क्या बना लिया गया गाइज ट्रेंगल बना लिया गया इस तरह से देख लीजिए ठीक है ये आपका सर्किल है सर्किल के अंदर एक ट्रेंगल बनाया गया जिसका सेंटर ओ है और सर्किल क्या है एक्स स्क्वायर प्लस बाईस् स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बाईस स्क्वायर का सेंटर क्या हो जाएगा गाइज जीरो जीरो हो जाएगा और रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी फाइव हो जाएगी ठीक है गाइज तो इस तरह से बना सकते हैं और इसका जो मिडिल पॉइंट होगा गाइज मिडिल पॉइंट जैसे हमें क्या क्यू के देख लीजिए गाइज यहाँ पर जो आपको दे रखा था वो आपको क्यू के कोऑर्डिनेट पता थे और आर के कोऑर्डिनेट पता थे अब इन दोनों का जो मिडिल पॉइंट होगा वही तो इसका एम पॉइंट होगा तो मिडिल पॉइंट चार और तीन कितना हो जाएगा गाइज ये हो जाएगा चार और माइनस तीन माइनस एक बटे दो क्योंकि बटे में दो करना है अब ये चार है और ये तीन है तो कितना हो जाएगा सात बटे दो तो हमें मिडिल पॉइंट मिल गया गाइज इसकी रेडियस पहले से ही पता है फाइव है तो ये पॉइंट यहाँ पर मिल चुका है आपके लिए तो गाइज अब हम क्या लगा दें फमला लगा दें क्यू पी और आर मतलब ये वाला एंगल की बात कर रहे हैं ठीक है गईज हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ आर ठीक है गाइज क्यू पी आर क्यू सॉरी गाइज क्यू पी जो आर है ये वाला ये सरकम कहाँ बनाए इस सरकम पे पर बनाए और ये बना सेंटर पे तो सेंटर पे जो एंगल बनता है वो सरकम का क्या होता है गाइज डबल होता है या ऐसे बोल सकते हैं जो सरकम पे एंगल बनता है वो ठीक है सेंटर के एंगल का कितना होता है हाफ होता है ठीक है गाइज तो यहाँ से ये यह थ्योरम लगा सकते हो इसकी जगह से अब इसको अगर ठीठा मान लिए तो ये आपका कितना हो जाएगा इक्वल टू क्यू एम क्योंकि इक्वल इक्वल आ जाएगा ये ठीठा मान लिया ठीक है गई क्यू एम जो है आपका कितना देर का हाफ ऑफ क्यू आर क्योंकि ये इसका क्या है गाइज मिडिल पॉइंट है जितना क्यू एम होगा उतना ये एम आर होगा और ये इसका कितना हो जाएगा हाफ आ जाएगा तो दोनों के पॉइंट्स के बीच की क्या निकालेंगे गाइज डिस्टेंस निकालें क्योंकि दोनों पॉइंट्स हमारे लिए यहाँ पे थ्री का माँ फोर माइनस फोर का थ्री पहले से ही क्या है गाइज गिवन है तो यहाँ से जो निकल के आया वो फाइव अपॉन अंडर रूट टू आ गया अब एंगल क्यू ओ एम देख लीजिए गाइज एक बार क्यू ओ और एम ये वाला एंगल ले लिया ठीक है गाइज अब इसको करना है क्या है गाइज जब नीचे लेके आओगे तो यहाँ पे साइन थीटा लगाओ साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन ठीक है हाइपोटेनियस लम्बे तो ये आपका हो जाएगा और ये कड़ जो मतलब हाइपोटेनियस होगा वो रेडियस हो जाएगी फाइव तो फाइव से फाइव कैंसिल आ जाएगा वन बाई रूट टू वन बाई रूट टू फोर्टी फाइव की वैल्यू होती है तो थीटा स्क्कल टू कितना हो जाएगा फोर्टी फाइव फाई बाई फोर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन गाइड ये गाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कई बार आपसे पूछा गया है तो इसलिए इसको आप इंपॉर्टेंट पे टिक लगा लीजिए ठीक है गाइश इफ ए सेक थीटा कामा बी टेन थीटा एंड ए सेक फाइव कामा बी टेन फाइव आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एंड्स ऑफ ए फोकल कोड ऑफ हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन देन टेन थीटा वाई टू इन टू टेन फाइव वाई टू विल बी इक्वल टू तो गाई ये चार ऑप्शन है इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है इसलिए इसको अच्छे से देख लीजिएगा जिसमें क्या होता है ना एक फार्मूला हमें पता होना चाहिए कि नहीं तो इस इक्वेशन को निकालने में बहुत टाइम लग जाता है क्या है आपको वो फार्मूला ये आपको क्या दे रखा है जी हाइपर वोला दे रखा है हाइपर वोला इक्वेशन ऑफ पॉइंट्स इस पॉइंट से जब हम इसको पास करते हैं एक्स ए एक माइनस बी टेन ठीक है एंड से एक फाइव का वहाँ बी टेन फाइव क्योंकि दो हैं एंगल तो यहाँ पे एक थीटा और एक फाइव के लिए बी गेट द इक्वेशन तो ये इक्वेशन जो होती है जी ये आपको डायरेक्ट डायरेक्ट पता होना चाहिए नहीं तो इसको निकालने में बहुत सारा टाइम लग जाएगा और जो कि आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं होता है वहाँ पेपर के ठीक है तो गाइज यहाँ पे क्या हो जाएगा अब ये जो लिखा है और इसका फोकस क्या होता है पर ए, ए का माँ जीरो होता है ठीक है गाइज तो एक्स हो जाएगा ए ई और बाई क्या हो जाएगा जीरो तो इसको जब यहाँ से पास करेंगे तो यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा गाइज क्या निकल के आ रहा है ई इज कल टू तो कॉस थीटा प्लस फाइव अ टू एंड दिस ये गाइज निकल के आ गया तो इसमें इसके ई के अपॉन में कुछ नहीं है गाइज तो कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल लगा लेंगे गाइज यहाँ पे हमने क्या किया डिनोमेटर को नोमेरेटर से माइनस किया नीचे डोमे ठीक है गाइज नोमेरेटर में डिनोमेटर को ऐड कर दिया वही काम आपको जो लेफ्ट में किया है वही काम राइट में भी करना है गाइज ठीक है गाइज राइट में करने के लिए हम इसको क्या करेंगे ऊपर कॉस c माइनस कॉस डी का फार्मूला लगाएंगे नीचे कॉस c प्लस कॉस डी का फार्मूला लगाएंगे गाइज तो ये ऊपर साइन नीचे कॉस सॉरी ऊपर साइन माइनस वाले में गाइज क्या आता है साइन आता है और प्लस वाले में कॉस आता है तो कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा वो टेन में कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है गाइज तो ये आ जाएगा और ये जो माइनस है वो दूसरी साइड में पहुँचा देंगे तो ये आ जाएगा वन माइनस सी अपॉन वन प्लस ई दिस इज द करेक्ट आंसर द स्ट्रेट लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो इज ए नॉर्मल कर्व एक्स वाई इक्वल टू वन देन कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा आता तो गाइज देख लीजिए सबसे पहले हम जो इक्वेशन बना रहे हैं इसको बाइजकल टू एम एक्स प्लस सी टाइप की बना रहे हैं तो यहाँ से हमारी जो इसकी स्लोप आ गई वो माइनस का ए अपॉन बी आ चुका है और एक्स बाई आपको कितना दे रखा था गाइज वन दे रखा था तो यहाँ से हमने एक स्लोप निकाल लिया कितना इसको डेरिवेटिव करके एम टू जो आया सेकेंड बाई अपॉन कितना आ गया एक्स आ गया अब दोनों माइनस बाई अपॉन एक्स और दोनों का नॉर्मल के केस में क्या होता है गाइज परपेंडिकुलर या नॉर्मल के केस में दोनों की जो स्लोप्स होते हैं उनके प्रोडक्ट कितना होता है गाइज माइनस वन होता है तो दोनों का प्रोडक्ट माइनस वन कर लिया तो ए एक्स इजक्ल टू गाइज कितना आ गया माइनस ए बाई इजक्ल टू माइनस बी एक्स दिस इज द ठीक है तो दोनों के क्या होंगे ए और बी के जो साइन होंगे वो गाइज कैसे होंगे अपोजिट होंगे ए और बी के साइन कैसे होंगे अपोजिट होंगे तो ए और बी के साइन जब अपोजिट देख लीजिए गाइज कौन से ऑप्शन में आपके सी वाले में है तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए गाइज ठीक है गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है द इक्वेशन ऑफ द कॉमन टेंजेंट टू वाई स्क्वायर इजकल टू एट एक्स एंड एक्स वाई इजकल टू माइनस वन ठीक है तो इसका सोल्यूशन देख लेंगे सिंपल है तो बाई स्क्वायर इचक्ल टू वाइज आपको कितना दे रखा था एट एक्स दे रखा था तो इसको हम बाई स्क्वायर फोर इंटू टू एक्स लिख सकते हैं तो ये पैराबोला की तरह बन जाएगा जिसमें एचिकल टू टू आ जाता है तो गाइज ये होता है इसको लिखने का तरीका स्लोप के साथ तो वाई इचक्ल टू एम एक्स प्लस ए अपॉन एम ए कितना आ चुका गाइज टू आ चुका है और जो दूसरा दे रखा था एक्स वाई एचिकल टू वन तो बाईचक्वल टू यहाँ से आ गया माइनस का वन बाई एक्स तो यहाँ पे गाइज हमारे लिए क्या मिल चुका है बाई मिल चुका है तो बाई की वैल्यू हम क्या करें यहाँ पे लगा दें माइनस वन बाई एक्स तो एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी और ये टेंजेंट होता है जब भी टेंजेंट एंड की बात की जाएगी तो क्या होता है और इसके रूट्स कैसे हो जाएंगे रियल रियल दे रखे हैं रूट्स रियल होने का वन आ चुका है एम एचल टू वन अब ये वैल्यू जो एम एच कल टू वन आई और एचल वो गाइजे माना था यहां पुट कर दीजिए आया है एक्स प्लस टू अपॉन एक्स प्लस टू ही आ जाएगा ठीक है सॉल्व करने पे इफ़ बाई इजक्ल टू फोर एक्स एंड एक्स बाई इजल टू के कट्स देन द वैल्यू ऑफ के स्क्वायर तो गाइस क्या करना है दोनों की स्लोप्स निकाल निकालिए और दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट आर्थोगोनली बोले नॉर्मल बोले परपेंडिकुलर बोले तो दोनों का मतलब वही है एम वन इन टू एम टू इजक्वल टू माइनस वन गाइज और कुछ नहीं करना है आप खुद से निकाल सकते हो इसमें ज़्यादा आपको हिंट की जरूरत नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन कर लीजिए लीजिएगाइज द इक्वेशन ऑफ़ ये गाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थर्टी सेवन लगा लीजिए द इक्वेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स सॉरी बी वाई स्क्वायर प्लस एच एक्स प्लस एच वाई इक्वल टू जीरो वेर एच इज नॉट इक्ल टू जीरो रिप्रेजेंटेपियर ऑफ स्टेट लाइन रिप्रेजेंटेपियर ऑफ स्ट्रेट लाइन करता है गाइज तो इसकी कंडीशन क्या होती है एक बार देख लीजिए गाइज यहाँ से मैं बता दूँ ये ये आप कंपेयरिंग करेंगे इसकी कंपेयरिंग किससे करते हैं जो वो भी समझ लें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर टू एच एक्स बाई प्लस टू एफ बाई, बाई प्लस टू जी एक्स प्लस एफ सॉरी ठीक है टू जी x प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो से तो यहाँ से गाइज हम कंपेयरिंग करके ए बी सी एफ जी एच निकालते हैं और वो हम इस इक्वेशन में गाइज क्या कर देते हैं पुट कर देते हैं जब यहाँ पे पुट किया ये सारी वैल्यू निकाल के तो हमारा निकल के आ गया ए प्लस बी इक्वल टू जीरो क्योंकि एच क्वेश्चन में दे रखा है नॉट इक्वल टू जीरो तो यही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा इफ़ एम वन एंड एम टू आर स्लोप्स ऑफ द टेंट आफ टू दैट आर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट टू कामा थ्री टू द पैरा स्क्वायर बाईस्ल टू फोर एक्स देन द वैल्यू ऑफ वन अपॉन एम वन प्लस वन अपॉन एम टू एच तो गाइज क्या होगा वो हमें चेक करना है सिंपली बहुत आसानी से निकाल सकते जो अभी एक फार्मूला बताया था आपके लिए गाइज ये वाला ये होता क्या है बाईजक्ल टू एम एक्स प्लस ए अपॉन एम होता है गाइज अब यहाँ देखिए टू फोर एक्स है तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी वन वैसे क्या होता है डायरेक्ट आपका वाई स्क्वायर इजक्ल टू फोर ए और एक्स होता तो यहाँ पे केवल फोर एक्स लिखा तो ए कितना रहा होगा वन रहा होगा तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी वाई इक्वल टू दिस और ये टू का मैं थ्री से पास हो रहा है तो एक्स की वैल्यू टू और वाई की वैल्यू थ्री लगा के यहाँ से हम जनरली क्या बना लेंगे एम निकाल लेंगे तो एम की गाइज यहाँ से दो वैल्यू आ चुकी हैं एम इजक्वल टू वन एंड एम इजक्ल टू हाफ तो पहला एम वन ले लो दूसरा एम टू ले लो और एम वन प्लस एम टू आपसे पूछा गया तो कितना आ जाएगा थ्री आ जाएगा दोनों का रिसीप्रोकल रे, पूछ लिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन देख गाइस थर्टी नाइन द डिस्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ स्टेट लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स वाई प्लस नाइन वाई स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस नाइन वाई माइनस फोर इक्वल टू जीरो तो गाइस इसको बहुत ही आसान तरीके से मैं इसका एक फार्मूला बताना चाहता हूँ ये जो फार्मूला होता है ये सी वन माइनस सी टू के का मॉड अंडर वूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो भाई यहाँ से जो सी होता है वो कॉन्स्टेंट टर्म होता है फर्स्ट में कितना है माइनस वन है और सेकंड में कितना है गाइज फोर है तो सी वन हो गया आपका माइनस वन और सी टू हो गया फोर और सी टू से पहले होता है माइनस तो ऊपर हो गया माइनस का फाइव अपॉन दिस और मोड लगा होने से गाइज क्या हो जाएगा प्लस फाइव अपॉन रूट टेन फाइव अपॉइन रूट टेन को रूट को अंदर अगर हम ले जाएंगे तो ट्वेंटी फाइव हो जाएगा फाइव से कट करेंगे तो फाइव बाई टू इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए गाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इफ ई इज द इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपर बोला एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर माइनस बाईस स्क्वायर अपॉन बीस स्क्वायर इक्वल टू वन एसिसेंट्रिसिटी का मतलब होता है गाइज उत्केंद्रता ठीक है हाइपर वोला मतलब आतीपर वोला आइसम टोल्स का मतलब होता है अनंत स्पर्शी ठीक है तो यहाँ पे आपसे सिंपली क्या पूछ लिया गया एंगल पूछ लिया गया तो एंगल आप निकालें या ना निकालें उसका आपको फार्मूला पता होना चाहिए तो गाइज ये आपका हाइपर वोला दे रखा है और जिसमें आपका जो एंगल होता है टे या तो ऐसे ठीक है गाइज टू ठीक है थीटा इज्वल टू टू टेन इनवर्स बी अपॉन ए और टू टेन इनवर्स का फार्मूला लगा देंगे टेन इनवर्स के रूप में क्या होता है टेन इनवर्स टू थीटा अपॉन वन माइनस ठीक है टीठा स्क्वायर टीटा जो भी आपका एंगल दे रखा है तो यहाँ से इसको थोड़ा सॉल्व कर लिया सॉल्व करने पर आ चुका है गाइज इसमें वन ऐड किया और वन को माइनस कर दिया ओके गाइज तो कितना हो चुका है नीचे एक तो टू हो जाएगा और वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन ई स्क्र इसके साथ जो कंडीशन बन जाएगा वो हमारा ई बन जाएगा ठीक है गाइज हाइपर बोला के लिए ये कंडीशन होती है तो यहाँ से हमने इसको गाइज क्या बना दिया दोनों से माइनस कॉमन करके ई बना दिया क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट नहीं तो ई स्क्वायर हो जाएगा और यही आपका क्या हो जाएगा ठीक है गाइस फार्मूला बन जाएगा अच्छा ठीक है गाइस बी अपॉन ए यहाँ से बना लेंगे इसका क्या करेंगे ई e स्क्वायर करेंगे ऊपर अगर तो ई स्क्वायर इज्कवल टू माइनस वन ये आ जाएगा टू से फिर और मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस तरह से ये फार्मूला निकल के आ जाएगा ओके गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए इफ ठीक है एक्स स्क्वायर प्लस के वन बाई स्क्वायर प्लस टू के टू का माँ वाई इजल टू ए स्क्वायर ठीक हैजेंट ए पेयर ऑफ परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन्स इफ तो गाइस क्या होगा तो परपेंडिकुलर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पूछा है तो सिंपली गाइज आप क्या करेंगे इस क्वेश्चन को देखिए तो ये हमारा कंडीशन हो जाएगा फर्स्ट वाले से अगर हम गाइज अगर लंबत रेखा के लिए लंबत का मतलब परपेंडिकुलर लाइन्स या ठीक है गाइज करेंगे तो हमारा के वन प्लस वन ठीक है इक्वल टू कितना आ रहा है गाइज जीरो क्यों आएगा ये यहाँ पे आपको जो कंडीशंस दे रखा है गईज वो इसका कॉपिशेंट देखा जाता है तो कॉपिशेंट बाई स्क्वायर का कितना है गाइज के वन है और एक्स स्क्वायर का को कोफिशिएंट कितना है गाइस वन है क्योंकि ए प्लस बी कल्टू क्या होता है जीरो होता है अभी आपने कंडीशन निकाली थी तो ए जो होता है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है और बी जो होता है बाई स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है तो यहाँ से के एच कल्टू कितना आ चुका है गाइस माइनस वन आ चुका है अब हम क्या लगाएंगे गाइस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की कंडीशन लगा देंगे ए बी सी प्लस टू एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी माइनस सी एच स्क्वायर तो गाइस यहाँ पे ए बी सी एफ जी एच सबकी वैल्यू पुट कर दोगे और पुट करने पर आपको यहाँ से मिल रहा है के टू का स्क्वायर तो के टू इक्वल टू कितना मिल जाएगा ए तो आपको गाइज दोनों पॉइंट आ चुके हैं के वन आपका आ चुका है गाइज माइनस वन और के टू आपका आ चुका है ए तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए इस फोर्टी टू इफ द फो ठीक है फोके फोके का मतलब जो फोकस जो होता है उसका मतलब प्रफ द इलेप्थ सक्सर अपॉन सिक्सटीन बाई स्क्वायर अपॉन वी इक्वल टू वन एंड दूसरा हाई पर बोला धीरे धीरे रखा है गाइज ये वाला तो आपसे पूछा क्वान साइड साइड का मतलब एक ही पॉइंट पे है देन द वैल्यू ऑफ वी स्क्वायर देन द वैल्यू ऑफ वी स्क्वायर सिंपली गैज इस तरह से निकाल सकते हो यहाँ पे फर्स्ट वाले का और ये वाला हो जाएगा सेकेंड वाले का ठीक है गैज क्योंकि फर्स्ट वाले में आपका जो दिया है वो आपको दिया है किसका गैज फर्स्ट वाले में इलिप्स दिया है और सेकेंड वाले में हाइपर दिया है हाइपर में ये चीज़ प्लस होती है अंदर और इलिप्स में ये चीज़ अंदर माइनस होती है ओके okay गाइस तो यहाँ पर दोनों की वैल्यू लगा देंगे और वैल्यू लगाने के सिंपल बी स्क्वायर आपका कितना आ जाएगा गाइस सेवन आ जाएगा ओके कैलकुलेशन सॉल्व कर लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए गाइस जो आपको लिखा है इफ़ एफ एक्स साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स टू एक्स वन वन ठीक है गई तो आपसे पूछा है एफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर लिमिट एक्सटेंस टू जीरो पर वैल्यू क्या होगी तो गई सिंपली तो सबसे पहले हम एफ एक्स निकालने के लिए इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे और डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया तो हमारा इतना ये जो लम्बा चौड़ा फंक्शन निकल के आया ये ठीक है अब इसको सॉल्व करना है अपॉन में एक्स स्क्वायर है गाइस तो एक्स स्क्वायर क्या करेंगे गाइस सभी से कॉमन कर लेंगे बचा हुआ सब अपॉन में चला जाए तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और बाकी एक्स की जगह जीरो लगा देने से गाइज जो भी बचेगा सबका अलग अलग कर दीजिए तो जो फर्स्ट वाले से गाइस क्या आ रहा है एक्स की जगह जीरो यहाँ से माइनस बन आ जाएगा क्योंकि ये साइन एक्स अपॉन एक्स कितना हो जाता है वन हो जाता है यहाँ पे एक्स की जगह वन लगाएंगे तो माइनस का ठीक है एक्स की जगह जीरो लगाएंगे यहाँ कॉस जीरो कितना होता है वन होता है और ये टेन एक्स और एक्स स्क्र एक एक्स से एक एक्स हो जाएगा गाइज कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे जो बचेगा एक्स टेन एक्स जो बचेगा गैज एक्स माइनस टू तो यहाँ पे ये यह कितना हो जाएगा गाइज वो बन दे देगा ठीक है ये तो सब जीरो ही हो जाएगा तो और कुछ तो जीरो इन टू बन आ जाएगा ठीक है गाइज क्योंकि एक्स की जगह जब ज़ीरो लगाओगे तो टेन एक्स टेन जीरो कितना होगा वो वन जीरो देगा तो इस तरह से ये जो निकल के आएगा ये वाला गाइज किसका फर्स्ट का निकल के आ गया एक बार फिर समझा देता हूँ गाइज यहाँ पे लगाया तो जीरो माइनस वन ठीक है गाइज ऊपर साइन एक्स अपॉन एक्स बन देता तो ये फर्स्ट टर्म हो गई यहाँ पे जब गाइज लगाएंगे तो सेकंड टर्म जीरो माइनस वन इंटू वन आ जाएगा और लास्ट वाले में जीरो इंटू वन वही कंडीशन ठीक है क्योंकि टेन स्क्वायर ये वाला जो होता है वो जीरो देगा और टेन एक्स अपॉन एक्स कितना देता है वन देता है तो गाइज कुल मिला के इसको सॉल्व करेंगे तो कितना निकल के आ चुका वन निकल के आ चुका नेक्स्ट क्वेश्चन इफ जी इज एडिटिव ग्रुप ऑफ रेसिड्यू क्लासेज मॉडलो टेन देन द ऑर्डर ऑफ द रेसिड्यू क्लास थ्री तो गाइज एक मेथड तो ये होता है इसका सिंपल करने का जीरो से लेकर जहां तक बने तो टेन तो टेन इसका क्या हो जाएगा ऑर्डर वट एक कंडीशन और बता दू जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस तरह से भी निकालते हैं जी सी डी ऑफ के और एन के मतलब जो आपको उसमें दे रखा है ठीक है कि मतलब जितने भी क्लास का दे रखा और इसमें आपको क्लास कितना दे रखा था क्लास का मतलब दे रखा था थ्री अब ये दे रखा है ठीक है गाइज और ये नीचे कितना दे रखा था गाइज एन एन का मतलब जितने नंबर हैं अब इन दोनों का अगर जी सी डी निकालेंगे तो के की वैल्यू हमारी कितनी हो गई टेन हो गई और थ्री इनका जिन्स के साथ जी सी डी हमारा ठीक है कितना आ जाए अगर हमारा वन आ जाए तो भाई उसका क्या हो जाता है गाइस रेसिड्यू हो जाता है तो रेसिड्यू ऑफ थ्री तो वहाँ पे टेन दे रखा था और एक क्लास कितना दे रखा था थ्री तो इन दोनों का क्या निकालेंगे जी सी डी अगर जी सी डी बन हो गया तो यही इसका क्या हो जाता है रेसीडी हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरोन द वैल्यू ऑफ अल्फा की पावर एक हजार तीस प्लस बीटा की पावर भी एक हजार तीस बिल भी क्या होगा ठीक है तो ये चार ऑप्शन है आपके पास वन जीरो माइनस वन एन एन ऑफ दीच वेन अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो और अल्फ़ा प्लस वन तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे लेंगे सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट दोनों कितने आ चुके हैं गाइज वन वन आ चुके हैं अब हम इसका गाइज क्या कर दें फार्मूला खोल दें तो यहाँ से अल्फ़ा निकाल लेंगे तो यहाँ से गाइज अल्फा माइनस बीटा आ चुका है रूट थ्री आई और अल्फा प्लस बीटा आ चुका है वन तो यहाँ इन दोनों को ऐड करेंगे तो टू अल्फ़ा मिल गया ठीक है गाइज और ये वैल्यू होती है किसकी गाइज ओमेगा की और ये इसका दूसरा नेगेटिव ये होता है ओमेगा स्क्वायर ठीक है गाइज तो ये आपको एक ओमेगा और दूसरा ओमेगा स्क्वायर मिल चुका है अब इसकी वैल्यू करेंगे तो दो हज़ार साठ हो जाएगी और इसकी एक हज़ार तीस हो जाएगी अब इसका हम गाइज करते क्या है जो क्यूब होता है ना क्यूब ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है वन क्योंकि ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है गईज तो यहाँ से हम तीन के मल्टीपल में निकाल लेंगे और बचा हुआ बाहर कर देंगे तो यहाँ से गाइज कितना आ चुका है छः सौ छियासी मतलब तीन और उसकी पावर छः सौ छियासी यहाँ ओमेगा क्यूब तीन सौ इकतालीस यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर बचेगा क्योंकि वो वाला वन हो जाएगा प्लस ओमेगा और वन प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है गाइस जीरो होता है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस वन और माइनस वन ही आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ओके गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए नंबर ऑफ रियल सोल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस एट इक्वल टू जीरो तो इसके रियल सोलूशंस की वैल्यू पूछिए गाइस जब हमने इसको सॉल्व किया सॉल्व करने पर ये निकल के आ रहा है माइनस फोर प्लस माइनस टू रूट टू विच इज नेगेटिव आया और नेगेटिव आने से क्या हो जाएगा मॉड एक्स कभी नेगेटिव हो नहीं सकता तो इसका कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स तो कहीं आपसे पूछा है कौन सा फॉल्स होगा इंटरसेक्शन ऑफ टू इक्वैलेंस रिलेशन एच ठीक है ऑन द सेट ऑफ सेट इज एन इक्वैलेंस रिलेशन ठीक है गाइज तो अगला क्या हो जाएगा सेकंड दे रखा है द इनवर्स ऑफ इक्वैलेंस रिलेशन इज एन इको रिलेशन अगला दे रखा है द यूनियन ऑफ टू इको रिलेशन ऑन ए सेट ऑफ ऑन ए सेट इज नॉट नेसेसरली एन इकोबैलेंस रिलेशन अगला पूछा द रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन ए सेट इज नेसेसरली द ठीक है इंडेमिटी इंडे ठीक है ठीक रिलेशन ऑन द सेट तो गाइज मैं बता दूँ जो डी ऑप्शन होगा यही आपका सही होगा जो सुचल मतलब होता है ठीक है वो क्या होता है एक हमेशा कैसा होता है आइडेंटिटी रिलेशन होता है और यहाँ पे गलत लिखा है आइडेंटिटी लिखा होना चाहिए ठीक है गाइज मतलब द रिफ्लेक्सिव रिलेशन रिफ्लेक्सिव मतलब ठीक है स्वतल मतलब जो स्वयं पे होता है ऑन द साइड इज नेसेसरली ठीक है आइडेंटिटी एलिमेंट ऑन द साइड ओके गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए वाई द डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्सिव ऑन द रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज नॉट ए नेसेसरली सो इज दिल आइडेंटिटी रिलेशन ऑन द सेट नेक्स्ट कंडीशन फोर्टी एट इफ एफ एक्स इजक्ल टू एक्स एंड जी एक्स इजक्ल टू मॉड एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर देन द वैल्यू ऑफ फाइव एक्स सेटिसफाई तो कहीं जी ये आपको एक दे रखा है कंडीशन इस कंडीशन से आपकी कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी आपसे कंडीशन वो पूछा गया ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी को सोल्यूशन देख लेते हैं गाइज तो किस तरह से करेंगे इसको सिंपली कुछ ज़्यादा नहीं करना है एफ एक्स इज्वल टू आपको एक्स दे रखा था गाइज एफ एक्स इज्वल टू कितना दे रखा एक है एक्स दे रखा है ठीक है और जी एक्स इजक्वल टू मॉड एक्स था तो मॉड एक्स को हम इस तरह से क्या कर देते गाइज ब्रेक कर देते हैं स्टेप फंक्शन में और फाइव एक्स हमारा ठीक है फार एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो यहाँ भी देखो एक्स है और यहाँ भी एक्स है तो एफ एक्स और जी एक्स दोनों क्या हो गए गाइज इक्वल हो गए अब इसको साइड दूसरी साइड में ले लिया ये और ये फाइव एक्स माइनस एफ एक्स और फाइव एक्स माइनस जी एक्स ठीक है दोनों का होल स्क्वायर कितना दे रखा है जीरो क्योंकि ये हमारे लिए क्वेश्चन में गिविन था गाइज ठीक है ये हमने अपनी तरफ से नोट नहीं किया ये हमें क्वेश्चन में पहले से ही गिविन था तो आगे गाइज गाइश देख लीजिए ये आपको कंडीशन मिल चुकी है ओके okay, अब आगे अब यही करेंगे जब दोबारा तो टू फाइव एक्स माइनस एफ एक्स गाइज क्योंकि ये जो दे रखे हैं ये दोनों सेम है तो दोनों ऐड हो जाएंगे अब टू जीरो हो नहीं सकता तो अंदर वाला ही जीरो होना पड़ेगा और किसी का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो हो तो मतलब वो वैल्यू जीरो हो जाएगी अर्थात फाइव एक्स इजल टू एफ एक्स हो जाएगा और एफ एक्स कितना फॉर था? एक्स, था, एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए ठीक है अभी जो दूसरा वाला लेस देन जीरो के लिए कंडीशंस की बात करेंगे लेस देन के लिए ये वाली कंडीशन आ जाएगी ठीक है गाइज तो आगे इसमें देखते हैं तो क्या हो जाएगा गाइज लेस देन के लिए ये जो होगा वो अलग अलग हो जाएगा क्योंकि ये अलग अलग कंडीशन में शो करेगा क्योंकि वहां पे आपका एफ एक्स इजक्ल टू तो एफ एक्स था तो वहाँ पे गाइज आपका जो है एक में माइनस एक्स है और दूसरे में प्लस एक्स है इसलिए हम उसको एफ एक्स एफ एक्स नहीं लिख सकते थे इसलिए यहाँ पे टू फाइव एक्स स्क्वायर इजक्ल तो टू तो टू एक्स स्क्वायर और जगह टू तो जीरो होगा नहीं और ये फाइव एक्स स्क्र इजक्ल टू एक्स स्क्वायर विच इज नॉट पॉसिबल तो पहले वाली कंडीशन ही सेटिस्फाई हो जाएगी इफ़ ये जो साइन बना है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का बना हुआ है देन द वैल्यू ऑफ दिस ये आपसे क्या पूछा गया है गाइज ये इसका जो पूछा गया इंटीग्रेशन पूछा गया और इंटीग्रेशन गाइज बहुत ही आसान हो जाएगा इस तरह से हम बना लेते हैं एक्स माइनस मॉड एक्स एक इस तरह से फंक्शन बन जाता है इसको हम बोलते हैं ये ठीक है गाइज ये क्या हो जाता है मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बन जाता है तो इस तरह से इसका जो फिगर बनता है गाई जी ये जो बना हुआ है ये बन जीरो से स्टार्ट होगा फिर वन फिर वन से स्टार्ट होगा फिर टू पे आ जाएगा फिर टू से स्टार्ट होगा थ्री पे आ जाएगा तो इनके बीच के जो बन रहे हैं क्या बन रहे हैं रहेगा जी ट्रेंगल्स बन, रहे बन रहे हैं इनका एरिया निकालना गाई जी ऐसे कितने ट्रेंगल्स बन रहे हैं आप वो देखिए तो इधर कितने हैं गए जी फोर तक और इधर कितने हैं फोर तक तो टोटल कितने बन जाएंगे एक दो तीन चार पाँच और छः सात आठ नौ दस ट्रेंगल बन जाएंगे तो भाई इसको सीधे एक बार में ही निकाल लीजिए दस से मल्टीप्लाई कर दीजिए जीरो टू वन ठीक है और फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स इसका करेंगे तो वो एक्स आ जाएगा जीरो से वन के बीच में और एक्स का करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉइन्ट टू इसमें लिमिट लगा देंगे गाइस तो कितना हो जाएगा सॉल्व होके एक्स की वैल्यू जीरो टू वन है और ये आ जाएगा आपका कितना वन बाई टू काटेंगे तो कितना आ जाएगा फाइव लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए गाइस इस वीडियो का अगर आपको गाइस वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी एक्स का वाई इक्वल टू ए वन एक्स प्लस बी वन बाई का ए टू एक्स प्लस बी टू बाई डिफाइंड ऑन आर स्क्वायर इन्वर्टिविल इफ ठीक है इस कैसा इन्वर्टिविल के लिए पूछा है इन्वर्टिविल के लिए गाइज क्या होना चाहिए उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए और इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए उसका डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो होना कंपलसरी है ठीक है गाइज तो यहाँ से दोनों ही क्वेश्चनें देख लेंगे तो फर्स्ट का कॉम्पिशेंट हमारा ए वन एक्स वी वन बाई वो फर्स्ट में आ जाएगा सेकेंड में ए टू एक्स और बी टू बाई इसको जब सॉल्व करेंगे तो ए वन माइनस बी टू माइनस बी वन ए वन इंटू बी टू माइनस बी वन इंटू ए टू इक्व नॉट इक्वल टू जीरो और यही आपकी कंडीशन हो जाएगी जब ये नॉट इक्ल टू जीरो है तो रैंक हमारी कितनी हो जाएगी टू हो जाएगी ठीक है गाइस उम्मीद करता हूँ वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा प्लीज़ अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और बने रहिए मेरे साथ इसी तरह से